Subscribe for every time new updates. And press bell icon for hot notifications. स्वागत है दोस्तों एक और फ्रेश एपिसोड के अंदर। दोस्तों लेके आ गया हूँ काफ़ी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज फिर से आपके लिए काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट की जानकारी आज फिर से इस वीडियो में आपको यहाँ पर मिलने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जल्दी मैं जो आपको यहाँ पर टेक अपडेट से बता देता हूँ। सबसे पहले अपडेट ले रही दोस्तों Huawei Mate 30 की तरफ से दोस्तों सितंबर 19 को जो है इसकी लॉन्चिंग है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर Samsung 5G फोन, यहाँ पर Galaxy A95 5G यहाँ पर सबसे पहले जो है Samsung का निकल के आएगा। अब लीक्स वगैरह ये बता रहे हैं दोस्तों काफ़ी बढ़िया प्राइस के अंदर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर जो है UPI बेस्ड पेमेंट से भी यहाँ पर परचेजिंग के ऊपर काम करेगा। अगर आपको कुछ परचेज करना है तो UPI यहाँ पर गूगल पे का यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी अदर सोर्स का यूज़ करके आप जो है गूगल पे से यहाँ पर परचेजिंग कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 का रिव्यू काफ़ी छोटा दो शब्दों में मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। दोस्तों डिवाइस काफ़ी बढ़िया है, सबसे बेस्ट है, लेकिन प्राइस काफ़ी गलत है इसकी। ये है इसका छोटा सा रिव्यू मेरी तरफ से। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर एक नया रेडमी का फ़ोन जो कि EEC सर्टिफिकेशन यहाँ पर ले चुका है। दोस्तों हाल ही में Note 8 और Note 8 Pro तो लॉन्च हो गए हैं, लेकिन ये वाला कौन सा है ये कुछ दिन बाद जो है पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर Oppo Enco Q1 हेडफोन जल्दी जो है दोस्तों यहाँ पर सितंबर 10 को ये भी रिलीज हो रहे हैं। प्राइस बताएं तो दोस्तों लगभग 1500-2000 रुपये रही तो काफ़ी बढ़िया है, वरना काफ़ी और भी हेडफोन्स जो है मार्केट में आए हुए हैं वो भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एक नया Huawei का फ्री बर्ड्स भी यहाँ पर खुलकर सामने आया है और इसका भी खुलासा IFA 2019 में यहाँ पर Huawei कर रहा है। तो देखते हैं दोस्तों 999 रुपये का ये वाला हेडफोन कितना यहाँ पर कमाल करने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी कुछ रूमर्स यहाँ पर निकल के आए हैं। दोस्तों दो नए फोल्डेबल डिवाइस का यहाँ पर खुलासा हुआ दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अब गूगल भी जो है लगा हुआ है और उधर जो है सोनी भी लगा हुआ है एक फोल्डेबल डिवाइस को बनाने में, अब माइक्रोसॉफ्ट भी लगा हुआ। हाल ही में जो है सैमसंग ने यहाँ पर अपने सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड का खुलासा कर दिया, चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया, प्री ऑर्डर्स की बुकिंग वगैरह भी होने लगी है। तो माइक्रोसॉफ्ट कहाँ पीछे रहने वाला दोस्तों, देखते हैं दो फोल्डेबल कौन से यहाँ निकल के आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर चंद्रयान टू जो है लगभग मून के नजदीक यहाँ पर पहुंच चुका और उसका जो विक्रम लैंडर है उसे अब तो आज रात या फिर कल तक जो है उसे लॉन्च कर देंगे चांद की धरती के ऊपर भेजने का यहाँ पर पूरा का पूरा प्रबंध जो है उसका कर दिया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों उसके बाद यहाँ पर क्या हो पाता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर एयरटेल एक्स स्ट्रीम और एक्स स्ट्रीम स्टिक को लेकर दोस्तों इंडिया के अंदर दोनों को लॉन्च कर दिया है और 4000 रुपये इसकी प्राइस रख दी है। और वैसे भी जो है जियो तो यहाँ पर 2-3 महीने फ्री दे ही रहा है, तो मुझे नहीं लगता है एयरटेल वाला ये वाला स्टिक वाला फंडा जो है चलने वाला। आप बताइए दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में, फ्री वाला चाहिए या फिर ये वाला चाहिए, कौन सा चाहिए बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर ओप्पो अपकमिंग स्मार्टफोन, ये भी दोस्तों काफ़ी कमाल तो होने वाले हैं, लेकिन अच्छी बात दोस्तों इनमें ये है कि इसकी जो डिस्प्ले होगी आने वाले फ़ोन में ओप्पो रेनो 2 जो है लॉन्च हो गया है दोस्तों, लेकिन अब की बार जो फ़ोन आएगा उसके अंदर ओप्पो ने काफ़ी कन्फर्म किया है कि 90Hz की डिस्प्ले रिफ्रेश रेट जो वो देने वाले हैं। अच्छी बात है, गेमिंग परफॉर्मेंस और भी काफ़ी अलग अलग चीज़ें जो है रिफ्रेश रेट के कारण जो है काफी यहां पर मजा नहीं आता। देखते हैं दोस्तों क्या हो पाता है। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों निकलारी एप्पल की तरफ से ऑफर कर रहा है दोस्तों बिल्कुल मुफ्त में डिस्प्ले रिप्लेसमेंट, वो भी वो सरी अगर आपके पास है और उसकी डिस्प्ले क्रेक हो गई है तो एप्पल आपको बिल्कुल मुफ्त जो है उसे रिप्लेस करके दे रहा है। तो उसमें आपका क्या घाटा है दोस्तों, किसका घाटा है किसका नहीं है वो देख लेना। अगर आपके पास है टूटी हुई कोई वॉच तो भेज दीजिए फीडबैक, और सिलेक्टेड को यहाँ पर करने वाला अगर आपने पहले फीडबैक भेजी है तो आपको यहाँ पर करके देगा वरना नहीं करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी फोल्डेबल फ़ोन, नेक्स्ट फ़ोन जो भी आएगा उसकी कहानी दोस्तों ये है कि वो काफ़ी अफोर्डेबल होगा, यानी उसकी प्राइस जो है लगभग 50-60 हज़ार रुपये यहाँ पर बताई जा रही है। अब इतनी प्राइस के अंदर एक फोल्डेबल फ़ोन पता नहीं क्या करने वाला है सैमसंग, लेकिन इतनी प्राइस में अगर फोल्डेबल फ़ोन निकल के आ जाता है तो काफ़ी कमाल हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर निकल गया OnePlus TV की तरफ से दोस्तों, अच्छी बात यह है कि ये एंड्रॉयड टीवी है, और तीसरी अच्छी बात दोस्तों ये है कि एक अफोर्डेबल टीवी के अंदर अगर कास्टिंग मिल जाए तो काफी मजा आ जाएगा। तो यहां पर ये क्रोम कास्ट के साथ आ रहा है दोस्तों, अब तो लगाइए लाइक नीचे। ये थी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टेक अपडेट्स जो कि आपको काफी पसंद आई है। मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।